इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस हाईकमान का चुनावी राज्यों पर फोकस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे नेताओं के साथ बड़ी बैठक। 26 मई को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश नेताओं के साथ की मीटिंग ली जाएगी। 26 मई को शाम 4 बजे राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक। देखिए चुनाव नजदीक है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनके नेताओं के साथ ये अलग अलग बैठक ली जाएगी। तारीखों की बात करें तो तारीखों का भी ऐलान देखिए कर दिया गया है। राजस्थान में 26 मई को राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक होगी। 27 मई की बात करें तो सुबह 9:30 बजे छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ मंथन किया जाएगा। चुनावों को लेकर किस तरह की रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये मीटिंग लेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर ये मंथन किया जाएगा। राज्यों के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की जाएगी, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, रणनीति बनानी है कांग्रेस पार्टी को। तो उसी के साथ जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले महीनों में, कुछ ही महीने बाकी है, देखिए कम समय, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक हालात कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी, बड़ी मीटिंग होगी। अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं उनके साथ ये चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, चुनावी मोड में, राज्यों पर फोकस। अधिक जानकारी के लिए कनिका कटियार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। कनिका, देखिए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ चुकी है, अब अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ ये बैठक होगी जिसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे जिस तरह के राजनीतिक हालात कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल हर्षदा, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक के बाद अब आगामी चुनाव के राज्यों को लेकर जो है सक्रिय होती दिखाई दे रही है। 26 और 27 तारीख को दिल्ली में सभी बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के तमाम नेताओं को यहाँ बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें आगामी चुनाव की रणनीतियों पर मंथन होगा। वहीं हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सरकार ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि और मजबूती के साथ जो है अब की बार विधानसभा चुनाव में जो है पार्टी प्रदर्शन करे और कहीं ना कहीं एक दोबारा रिपीट की जो है स्ट्रैटेजी उसको बनाए। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट का सबसे मुख्य राज्य जो है बन जाता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की वहां से गुजरी है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अब जो बाकी राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस का जो माहौल बना हुआ है वो बरकरार रहे। वहीं दूसरी पर राजस्थान की जो परिस्थितियां चल रही हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलों को लेकर देखा जाए और पार्टी के अंदर ही दो गुट में लोग बटे हुए हैं, उसको लेकर भी जो है 26 तारीख को मंथन होगा। तमाम बड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री, पिछली चीफ और तमाम जो प्रभारियों से प्रभारी है वो मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब नहीं चाहती कि जो कर्नाटक के बाद माहौल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो माहौल खराब हुए, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। जी कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कनिका ने हमें बताया कांग्रेस अब पूरे अलर्ट मोड पर, चुनावी मोड में आ चुकी है, जिस तरह से राजनीतिक हालात उस पर चर्चा की जाएगी। तो डेट्स भी प्रस्तावित कर दी गई है, अलग अलग राज्यों के साथ ये मीटिंग होगी, मंथन होगा, अलग अलग नेता इसमें आएंगे, इस बैठक में हिस्सा लेंगे और मंथन किया जाएगा जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस अब चुनावी मोड में, कांग्रेस चुनावी राज्यों पर उनका फोकस है, क्योंकि कांग्रेस अब बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किस तरह से जो राजनीतिक हालात स्पेशली जब हम राजस्थान राज्य की बात करें उसके अंदर बने हुए हैं उसको लेकर भी मंथन होगा।